नबी हजरत मोहम्मद पर नाजल किया गया और इन तमाम किताबों पर ईमान लाना जरूरी है तो बच्चों यहाँ तक हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों तुम बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए यानी कि प्यार और मोहब्बत से रहने के लिए और सीधा सीधा ऐसा रस्ता जो हमें सिर्फ अल्लाह तबादत करने का दर्श देता है सिर्फ अल्लाह ताला को एक मानने का दर्श देता है ऐसा रास्ता दिखाने के लिए पाक और मुकद्दस बंदों को भेजा ताकि वो इंसानों की रहनमई करे। करें रहनमाई करें यानी उन्हें बता सकें कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला ही है जिसकी इबादत करनी चाहिए जिससे मदद मांगनी चाहिए और इन बंदों को हम नबी या रसूल कहते हैं सबसे पहले जो नबी थे वो हज़रत आदम असल्लाम थे और सबसे आखिरी नबी जो थे हज़रत मोहम्मद अलैहि वसम थे हज़रत आदम असल्लाम से लेकर हमारे प्यारे नबी था कम वेश एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे यानी कि नबी या रसूल जो थे और वह सब के सब सच्चे थे उन्होंने सिर्फ़ एक ही तालीम दी कि अल्लाह ताल को एक माने उसके साथ किसी को शरीक ना करें सिर्फ़ अल्लाह ताली की ही इबादत करें उन्होंने लोगों को न सिर्फ तहीद का दाश दिया बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने का भी दाश दिया अल्लाह ताला ने इन लोगों को तालीम देने के लिए उन नबियों को किताबें भी दी थी, थी जैसे आपके पास किताबें होती हैं ना पढ़ने के लिए तालीम हासिल करने के लिए इसी तरह